कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। मार्केट में एक फर्स्ट क्लास स्कीम आई, एक का तीन गुना मिलता है। पॉपुलर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने हेरा फेरी 4 के मेकर्स को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में टी सीरीज ने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के हर गाने के सभी ऑडियो और विजुअल अधिकारों का दावा किया गया है। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के मेकर्स ने जब से फिल्म के अगले पार्ट यानी हेरा फेरी 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, तब फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म को लेकर लगातार अपडेट सामने आते रहते हैं। फिल्म को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने हेरा फेरी 4 के मेकर्स को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। दरअसल टी सीरीज ने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के हर गाने के सभी ऑडियो और विजुअल अधिकारों का दावा किया गया है। नोटिस में प्रोडक्शन कंपनी ने खुद को फ्रेंचाइजी फिल्म के सभी म्यूजिक एंड ऑडियो विजुअल सॉन्ग राइट्स के सभी कॉपीराइट का एकमात्र और अनन्य अधिकार धारक बताया है। इस नोटिस में कहा गया है, सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से फिल्म व्यापार को नोटिस दिया जाता है कि सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टी सीरीज संगीत और ऑडियो विजुअल गानों के संबंध में कॉपीराइट का एकमात्र धारक है, यानी मास्टर साउंड रिकॉर्डिंग, साहित्यिक कार्य और ध्वनि रिकॉर्डिंग में सन्निहित संगीत कार्य और सभी गीतों के ऑडियो विजुअल सभी मोड का धारक है। आगे कहा गया कि वर्तमान में शीर्षकहीन हिंदी भाषा की फिल्म में हेरा फेरी फिल्मों की फ्रेंचाइजी के रूप में रिलीज होने के लिए प्रारूप म्यूजिक और ऑडियो विजुअल सॉन्ग राइट्स बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा टी सीरीज को सौंपे गए थे। बता दें कि हेरा फेरी 4 बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर फरहाद सामजी के निर्देशन में बनाई जाएगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं खबर है कि फिल्म में संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में होंगे। जी हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट आप तक मिलते रहें।